अब आगे बढ़ते हैं और आपको मैं अब दिखाने वाला हूँ कि ये जो बोर्ड है उसको हम किस तरह से निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक कनेक्टर यहाँ पे है, तो पहले हम इस केबल को निकाल देना इस तरह से। आप देख सकते हैं यहाँ पे डिस्प्ले कनेक्टर था वो भी निकला हुआ है, और यहाँ पे टच कनेक्टर है तो इसको भी मैं निकाल देता हूँ, और कैमरा तो सभी को मैंने बाहर कर दिया है। तो कैमरा को अगर आप नहीं भी निकाल दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन ये जो पार्ट है इसको नहीं निकालते तो बोर्ड को निकालना मुश्किल होता, और बोर्ड निकालने टाइम में एक फ्लेक्स हमारा टूटने का डर होता। तो इसीलिए जितनी भी मतलब कनेक्टर्स है उसको पहले आप अच्छी तरह से खोल ले, और समटाइम्स देखिए आपका स्क्रू भी हो सकता है इस बोर्ड के अंदर, लेकिन अभी इसमें कोई स्क्रू नहीं दिख रहा है तो अब हम इस बोर्ड को बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं इसको निकाल देता हूँ, और यहाँ पे RF केबल है तो ये RF केबल का कनेक्शन भी, और नीचे का एंटीना वाला पार्ट है यहाँ पे आप देख सकते हो। तो चलिए इसके साथ ही निकल गया। तो चलिए मैं आपको इसका जो बैक साइड है उसको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो इस तरह से इस साइड में बहुत सारे ICs लगे हुए हैं और बहुत सारे कंपोनेंट लगे हुए हैं। ये स्विच है दो, वॉल्यूम स्विच, और इस साइड में एक स्विच है वो पावर का स्विच है, आप देख सकते हो यहाँ पे, और बहुत सारे ICs लगे हुए हैं। इस साइड में जिस तरह से हमने मतलब सभी सेक्शन को चेक किया उसी प्रोसेस से हम इस सेक्शन, चार्जिंग सेक्शन, हेडफोन सेक्शन का भी हम बहुत आसानी से रिपेयरिंग कर सकते हैं, और इससे रिलेटेड तो बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पे, तो उसको आप देख सकते हो। चलिए मैं आपको अब IC का आइडेंटिफिकेशन करा देता हूँ, क्योंकि बोर्ड के अंदर का जितने भी IC होता है उसको भी पहचानना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एक एंड्रॉयड बोर्ड है, इस बोर्ड में आपको जितने भी IC देखने को मिलेगा और भी एंड्रॉयड मोबाइल्स में लगभग उतना ही ICs हो सकता है, थोड़ा मोड़ा कम या ज्यादा वो भी हो सकता है। तो ये जो पार्ट है उसको RTC बोला जाता है, एक क्रिस्टल है जो डेट और टाइम चेंज करने का काम करता है। इसका वैल्यू होता है 32.768 किलोहर्ट्ज़, और ये क्रिस्टल क्या होता है मतलब CPU और पावर IC के करीब में रखा जाता है, समटाइम्स CPU के पास और समटाइम्स पावर IC के पास, और समटाइम्स दोनों के सेंटर यानी कि दोनों के बीच में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो RTC है, और RTC के बगल में पावर IC और CPU का होना बहुत ही जरूरी है। तो पावर IC का मेन काम होता है बैटरी से जो भी वोल्टेज लेता है उसको पूरे बोर्ड के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना, क्योंकि सभी सेक्शन को 3.7 वोल्ट का जरूरत नहीं होता है, किसी को 1.8, किसी को 2.8, किसी को 1.5, किसी को 1.2, तो उस तरह का वोल्टेज बनाने का काम पावर IC का है। और साथ साथ ऑडियो सेक्शन, सिम सेक्शन, इस तरह का सेक्शन भी पावर IC के अंदर ही इनबिल्ट किया गया होता है। तो इसका जो मेन फंक्शन है वो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो वोल्टेज अगर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है तो सभी वोल्टेज को फिल्टर करने के लिए कैपेसिटर्स और क्वाइल्स रखना भी बहुत ही जरूरी है। तो इसीलिए इस पावर IC के सराउंडिंग में बहुत सारे कंपोनेंट को रखा गया होता है, जिससे जो भी वोल्टेज मतलब डिफरेंट सेक्शन को सेंड करता है तो सभी को फिल्टर किया जा सके, और उस सेक्शन में जो वोल्टेज आए वो प्योर जाए, जिससे उस सेक्शन का जो फॉल्ट होने का चांसेस होता है वो कम हो जाता है। तो बहुत ही आसानी से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो हमारा IC है यहाँ पे जो हम देख रहे हैं वो पावर IC है। पावर IC को आइडेंटिफाई करना तो ठीक है आसान हो गया, लेकिन CPU और मेमोरी को कैसे आइडेंटिफाई करें? साइज में तो ये बड़ा दिख रहा है, ये छोटा है। तो क्या होता है दोस्तों कि जो मेमोरी होता है उसका साइज रेक्टेंगल होता है, मतलब कुछ इस तरह का होता है, और इसका जो साइज है CPU का वो स्क्वायर होता है। और जो दूसरा क्लू है मतलब जो मेमोरी होता है उसके सराउंडिंग में आप देख रहे हो कॉम्पोनेंट बहुत ही कम, इसके पास तो कुछ भी दिख ही नहीं रहा, लेकिन समटाइम्स हो भी सकता है इसके बगल में कुछ 5-10 कंपोनेंट हो सकता है, लेकिन CPU के बगल में कुछ बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे होते हैं, पावर IC से कम लेकिन मेमोरी से ज़्यादा। तो इस तरह से रेक्टेंगल शेप और कंपोनेंट कम होने वाले जो IC है वो मेमोरी IC है, इसको फ्लैश IC भी बोला जाता है, इंटरनल मेमोरी भी बोला जाता है, रोम भी बोला जाता है, और जो रैम होता है वो समटाइम्स इसके अंदर और समटाइम्स CPU के अंदर डाला गया होता है। तो अभी जो नए एंड्रॉयड मोबाइल है उसमें रैम को इस CPU के अंदर ही डाला गया होता है, जिससे एंड्रॉयड मोबाइल का जो परफॉर्मेंस है वो बेटर हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह से हम पावर IC, फ्लैश मेमोरी, रोम या इंटरनल मेमोरी और CPU का आइडेंटिफिकेशन बहुत ही आसानी से हम कर चुके हैं। पावर IC के बगल में एक और छोटा सा IC आप यहाँ पे देख रहे हो, और इसके साथ ही एक डायड रखा गया है, और इसके साथ ही एक किस तरह का बूस्ट कॉइल रखा गया है। तो डायड और एक छोटा सा IC, 6 लेग और 8 लेग का समटाइम्स हो सकता है, और यहाँ पे जो कॉइल है वो बूस्ट कॉइल। तो इस तरह का सेक्शन जो है वो डिस्प्ले लाइट IC सेक्शन का होता है, यानी कि जो डिस्प्ले का जो LED होता है उसको ग्लो करने के लिए हमें हाई वोल्टेज को देना जरूरी होता है। इस तरह का सेक्शन यहाँ पे बनाया गया है, तो ये पावर IC के बगल में हो सकता है, और समटाइम्स क्या हो सकता है आपका जो डिस्प्ले कनेक्टर है उसके बगल में भी हो सकता है। तो ये सेक्शन हमारा डिस्प्ले लाइट IC सेक्शन हो गया, इसमें अगर कोई फॉल्ट आता है तो आपको इस सेक्शन को ट्रबल शूट करना है। तो दोस्तों ये जो सेक्शन है उसको हम डेटा एंड पावर सेक्शन भी कहते हैं, और इसके ऊपर जो सेक्शन है उसको नेटवर्क सेक्शन बोला जाता है। नेटवर्क सेक्शन जो सिग्नल को बाहर और भीतर करने का काम करता है। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें इस तरह का एक पार्ट को
समझने वालों के लिए आसान है, जो ना समझे वो परेशान है। तो दोस्तों आपको क्या होना है, आसान या परेशान? तो आपको अच्छे से समझाने और प्रॉब्लम को आसान बनाने के लिए आया हूँ मैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ साहिल और आप देख रहे हैं रिप्ट्रॉनिक्स, जिसका मतलब होता है रिपेयर इलेक्ट्रॉनिक्स, जहाँ पे आपको मिलेगा फुल ट्रेनिंग कोर्स, वो भी फ्री में। तो नो शॉर्टकट, नो ट्रिक्स, बट इन डिटेल ट्रेनिंग के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बजाए घंटी को, जिससे आपको इस चैनल पे आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।